जो इस्लाम भी आया वो तलवार के बल पर आया, और बंगाल के अंदर जो टीएमसी में भी लोग जा रहे हैं वो तलवार के बल पर जा रहे हैं। नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है, मैं हूँ राहुल पांडे। पश्चिम बंगाल विधानसभा उपचुनाव में 4 सीटों पर बीजेपी की करारी हार और ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी की जीत के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने बड़ा बयान दिया है। कैलाश विजयवर्गीय ने ममता बनर्जी की टीएमसी सरकार की तुलना इस्लाम से कर दी है और उन्होंने कहा है कि जिस तरह से तलवार के दम पर इस्लाम ने देश में प्रवेश किया था उसी तर्ज पर तानाशाह रवैये के साथ पश्चिम बंगाल में टीएमसी बीजेपी नेताओं को तलवार के दम पर टीएमसी में शामिल कर रही है। क्या कुछ कहा है कैलाश विजयवर्गीय ने, सुनिए। बंगाल में एक एक व्यक्ति पर 20-20, 30-30, 40-40, 50-50 केस लगा दिए। जैसे अर्जुन सिंह जी हमारे सांसद हैं, 120 केस है उनके, हत्या से लेकर डकैती से लेकर भ्रष्टाचार से लेकर इतने सारे केस झूठे लगा दिए कि बस मुझ पे कम से कम 20 केस चल रहे हैं। हमारे प्रचारक महोदय को भी उलझा दिया। तो इस प्रकार जब आप सरकार जब बिल्कुल किल करने पे लग जाती है विपक्ष को, तो आदमी कैसे जी पाएगा वहां पर। और इसलिए जो भी वहां पर जा रहे हैं, मुझे तो एक घटना याद आती है कि इस देश के अंदर जो इस्लाम भी आया वो तलवार के बल पर आया, और बंगाल के अंदर जो टीएमसी में भी लोग जा रहे हैं वो तलवार के बल पर जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि दोनों घटनाएं एक जैसी। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि ममता बनर्जी देश के उन नेताओं की फेयरलिस्ट में शामिल हो गई हैं जिनको प्रजातंत्र पर विश्वास नहीं है। इसी का परिणाम है कि बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं पर पश्चिम बंगाल में झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। विजयवर्गीय ने कहा है कि पश्चिम बंगाल से बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह पर 120 आपराधिक प्रकरण दर्ज किए जा चुके हैं, वहीं उन पर खुद 20 मुकदमे दर्ज हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ममता बनर्जी किस तरह से सरकार चला रही हैं। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, एक व्यक्ति पर 50-50 केस चल रहे हैं। जब सरकार विपक्ष को किल करने लगती है तो ऐसे में कोई कैसे जीत पाएगा। उन्होंने कहा है मुझे घटना याद आती है कि इस देश में जब इस्लाम आया था तो तलवार के दम पर आया था, और बंगाल में जो लोग टीएमसी में जीत रहे हैं वो भी तलवार के दम पर जा रहे हैं, दोनों बातें एक जैसी हैं। पश्चिम बंगाल में लगातार भाजपा के कद्दावर नेता और विधायक पार्टी छोड़कर ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। बंगाल समेत अन्य राज्यों में टीएमसी का हाथ थामने वाले नेताओं ने भाजपा की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। भाजपा नेताओं के पार्टी से बगावत करने को लेकर मध्य प्रदेश में भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय का गुस्सा फूट पड़ा। पहले पार्टी से नेताओं की बगावत और अब उपचुनाव में भी भाजपा की करारी हार से विजयवर्गीय लगता है बौखला गए हैं। इस खबर में इतना ही। ज्यादा अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।